आप लोग आज मैं बात करने वाला हूँ सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स के बारे में कई बार हमारे मन में सवाल आता है वॉट इज सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बट हम लोग इसको इग्नोर करके आगे चल देते हैं कुछ उस तरह ही जिस तरह सर एक कबूतर बिल्ली को देकर आके बंद कर लेता है और सोचता है वो चली गई बट आज हम इसके बेसिक्स जरूर जान लेंगे और याद रखिएगा बेसिक वीडियो है बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ से ले सकते हैं डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको खुद स्टडी करनी पड़ती है सर लीजिए तो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बिल्कुल सिंपल फंडा ऐसा टैक्स जो सिक्योरिटीज की ट्रांजेक्शन पे लगे ऐसा टैक्स जो सिक्योरिटीज की ट्रांजेक्शन पे लगे अब सिक्योरिटीज़ क्या शेयर्स एट्सेट्रा सिक्योरिटीज हमेशा जब भी आपको डाउट हो कहाँ पे डिफाइंड है सेक्शन टू एच ऑफ एस सी आर एक्ट एस सी आर एक्ट का सेक्शन टू एच आप लोग देख सकते हैं एनी वेज नाउ वॉट इज एस टी टी जरा पढ़ लेते हैं एस टी टी इज अ टैक्स पेबल इन इंडिया ऑन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एक्सक्लूडिंग कॉम्योनिटीज एंड करेंसी क्योंकि कॉम्योनिटी पे अलग से सी डी टी आता है ट्रांजेक्टेड थ्रू अ रिकगनाइज स्टॉक एक्सचेंज

ट्रांजेक्टेड जो आप ट्रांजेक्ट करेंगे थ्रू आरकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज पे लगेगा सर आप जब भी इसको ट्रांजेक्ट करेंगे खरीदेंगे या बेचेंगे सिक्योरिटी को तब लगेगा और कहां पे खरीदेंगे बेचेंगे ये लीजिए ये रहा आपका रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज राइट गाइज क्यों आया उसका लॉजिक भी आपको बताऊंगा बट आइए जरा अभी इसका रेट देख लेते हैं एज ऑफ 2016 इट इज पॉइंट वन परसेंट ओनली ऑफ डिलीवरी बेस्ड इक्विटी ट्रेडिंग डिलीवरी बेस्ड इक्विटी ट्रेडिंग बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट भी होते हैं फ्यूचर्स ऑप्शन ठीक है इंट्राडे ट्रेडिंग मैं अभी उन सब की बात नहीं कर रहा जो एक नॉर्मल व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है इक्विटी शेयर्स में वो डिलीवरी बेस्ड होती है यानी वो खरीदेगा अपने पास रखेगा फिर थोड़े समय बाद उसको बेचेगा ठीक है इतनी सिंपल सी बात उस पर सर एस टी का रेट है पॉइंट वन परसेंट सर ये तो हमें ना चिंदी चोरी लग रही है क्यों बेटा सर चिंदी चोरी इसलिए लग रही है क्योंकि सर पॉइंट वन परसेंट ही अगर टैक्स लेना था तो टैक्स लगाया है क्यों मैंने बोला ना इसका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा वीडियो के एंड में चिंता मत करिए आइए अब जरा देखते हैं इसका नेक्स्ट स्लाइड और कब आया था एस इट वॉज इंट्रोड्यूस इन टू हमारे तब फाइनेंस मिनिस्टर साहब होते थे पी चिदम्बरम और सर इन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए थे जिससे कि अनडिसक्लोज इनकम सामने आए जिससे कि लोग जो अनअवेयर थे बहुत सारे प्रोविजंस के और उसके चलते अपनी इनकम नहीं बताते थे वो सामने आए राइट right. तो हम इसी बात को उसका बेस बनाने वाले हैं लॉजिक बनाने वाले हैं तो 2004 में एस पहली बार इंडिया में आया था और 2004 में ही अगर आप थोड़ा बहुत टैक्स के बारे में जानते हैं तो जहां तक मे को पता है 2004 में ही सेक्शन 10 क्लास 38 आया था ट्रिपल वन ए आया था राइट right? तो इनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे किशन का एस टी टी से क्या लड़ देना है ठीक है एंड देन अब देखिए सर ये है लॉजिक सो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्यू अगो दैट इज इन टू टू स्टॉप टैक्स अवॉइडेंस किस लिए आया था टू स्टॉप वॉट बोलिए टैक्स अवॉइडेंस ऑफ कैपिटल टैक्स अब देखिए क्या होता था मैं एक लेमैन हूं मैंने शेयर खरीदे किसी के कहने पे खरीदे किसी के कहने पे बेच दिए जनरली शेयर मार्केट ऐसे ही लोग बात काम करते हैं मैं एक लेमैन हूं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़े ना हूं मुझे क्या पता कि सर शेयर खरीदने बेचने पे इनकम टैक्स भी देना पड़ता है अगर प्रॉफिट होता है तो आइडिया ही नहीं रिपोर्टिंग ही नहीं करी गवर्नमेंट तक बात ही नहीं पहुंचा पा रहा तो इसलिए गवर्नमेंट ने एस लगा दिया अब जब एस लगेगा तो हर ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग गवर्नमेंट के पास अपने आप पहुंचेगी ऐसे पॉइंट वन परसेंट पहुंचेगा पॉइंट वन परसेंट से गवर्नमेंट उसे रिवर्सली कैलकुलेट करके आपकी ट्रांजेक्शन का अमाउंट निकाल सकती है अकॉर्डिंगली आपके प्रॉफिट्स एंड गेन्स निकाल सकती है लीजिए साहब जैसा ही ऐसे होगा लीजिए लीजिए मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो सर गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट पहुंच गई अब आपके कैपिटल गेन्स पे गवर्नमेंट की नजर है अब आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट आपसे मिलने आएगी आपसे बातचीत करेगी और आपसे टैक्स ले जाएगी राइट तो ध्यान रखिएगा एस्टेटिकल लॉजिक क्या है एस्टेटिकल लॉजिक ये है कि सर लोग अपनी इनकम रिपोर्ट नहीं करते थे बताते नहीं थे और इसलिए एसटीडी लाया गया ताकि गवर्नमेंट को अपने आप इनकम का पता चलता रहे इसे आप एज अ मैकेनिज्म मान लीजिए कि सर ये आपकी इनकम पे नजर रखने का कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम शेयर्स पे नजर रखने का एक मैकेनिज्म बनाया गवर्नमेंट ने ताकि आप लोग कोई भी इनकम को अंडर रिपोर्ट या नो रिपोर्ट ना कर सके ठीक है आइए एक बार पढ़ते हैं

तो जब डिक्लेयर ही नहीं होता था तो सर टैक्स कैसे पे करें जब टैक्स डिक्लेयर ही नहीं किया तो टैक्स कैसे पे करें अब डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है अब तो रिपोर्टिंग हो रही है क्यों एस से गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि आपने कितने की ट्रांजेक्शन करी थी राइट गाइज नाउ अब एस और इनकम टैक्स में क्या अपना मिलन है आइए मैं आपको बताता हूँ हमारे पास दो मेजर हेड्स हैं पीजीपी एंड कैपिटल गेम्स स्टॉक यानी शेयर्स का खरीदना बेचना अभी मैं शेयर्स की बात कर रहा हूं और किसी डिटेल में नहीं जा रहा शेयर्स का खरीदना बेचना टीजीबीबी हेड में भी आ सकता है कैपिटल गेन हेड में भी आ सकता है ऐसे कैसे अगर आप लोग एक रूटीन से अपने शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं आप उसे ऐसा स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट कर रहे हैं ये आपकी मर्जी है इसको लेके ऑल तो बहुत सारी गाइडलाइंस हैं बट जनरली स्पीकिंग आपकी मर्जी है कि आप उसे कैसा ट्रीट करना चाह रहे हैं आप रूटीन से सर शेयर्स को एज अ स्टॉक परचेज कर रहे हैं एज अ स्टॉक बेच रहे हैं तो आपकी इनकम आएगी पीजीबीपी हेड के अंदर अदरवाइज आप आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह शेयर्स को एज एन इन्वेस्टमेंट टूल यूज कर रहे हैं राइट right? आपकी इंटेंशन उसमें बिजनेस करने की नहीं इंटेंशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तो सर वो इनकम आपकी कैपिटल गेंस हेड में आएगी और याद रखिए वीडियो में लेमैन के लिए बना रहा हूं आई एम नॉट टेकिंग एट के मैं टेकिंग एज के मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट समझा रहा हूँ मैं एक नॉर्मल व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैं बहुत डिटेल में ना जाते हुए आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो भाई ऐसा होता है ओके okay? तो अगर आप शेयर्स को एज अ स्टॉक यूज करते हैं स्टॉक इन ट्रेड तो सर पी जी अदरवाइज सर कैबड गन में जाएगा अब ज़रा सुनिए सर पी के अंदर अगर जाएगा तो एस अगर आपने पे कर रखा है ऑब्वियसली पे करा ही होगा अगर आप आर एस सी रिक्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से बाय या सेल करते हैं उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन थर्टी सिक्स तो एस टी टी आपके सेलिंग प्राइस से रिड्यूस हो जाएगा और जो परचेज समय पे किया था वो तो आपके परचेज प्राइस में एड हो जाएगा परचेज प्राइस में एड सेलिंग प्राइस से लेस परचेज प्राइस से प्राइस में सेलिंग प्राइस से लेस याद रखेंगे बोलिए ठीक है जी कैपिटल गेन में ऐसा नहीं होता कैपिटल गेन में आपका एस टी टी इग्नोर करके चलते हैं फॉर दर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन दर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ एसटीटी इन कैपिटल गेन्स पहली बात पीजीपी में एज एन एक्सपेंस आपको अलाउ होगा परचेज वाला परचेज प्राइस में एड होगा सेल वाला सेल प्राइस से लेस होगा ओके okay? क्योंकि ट्रांजेक्शन दोनों ही परचेज एंड सेल एसटीटी दोनों बार लगेगा कैपिटल गेन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कैपिटल गेन के केस में एस टी टी का रोल आता है सेक्शन टेन क्लास थर्टी एट के साथ और सेक्शन ट्रिपल वन ए के साथ अब ये क्या है लेमैन ये जानता होगा नहीं जानता तो सुन ले अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं इक्विटी शेयर्स पे जिन्हें आपने रिक्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से बेचा है और जिनके ऊपर आपने एस पे किया है एस पे किया कंडीशन आ गई तो वो कैपिटल गेन एग्जैमट होता है अंडर सेक्शन टेन क्लॉज थर्टी एट जी अंडर सेक्शन अगर वो लॉन्ग टर्म है इक्विटी शेयर से हैं या इक्विटी फंड से है, भी हम इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं और तभी जब सर वो आर एस सी पे डील हुई स्टॉक एक्सचेंज और उनपे एस टी टी पेड है राइट तो आपके वो कंप्लीटली एग्जेम्ट होते हैं खुशी की बात है अगर आपको नहीं पता तो इस इसमें थोड़ा सा रिसर्च करें शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें वो कोई सट्टा नहीं है सर वो एक कैलकुलेटेड रिस्क और रिटर्न पॉलिसी हो सकती है वन टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में सेक्शन ट्रिपल वन ए आप जरूर देख सकते हैं यही सारी कंडीशन आर एस सी एस टी टी इक्विटी शेयर बस शॉर्ट टर्म है क्या है शॉर्ट टर्म तो उस केस में फिफ्टीन परसेंट टैक्स लगता है फ्लैट फिफ्टीन परसेंट टैक्स लगता है तो यहाँ पे एस का रोल आता है कि एस को एक कंडीशन बना दिया गया कि अगर आप 1038 का बेनिफिट लेना चाहते हैं या अगर आप लोग ट्रिपल वन ए का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको एस पे करना जरूरी है दैट्स इट इतना सिंपल है सर ओके okay. एक छोटी सी बात शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अगर आपको नहीं पता तो जनरल व्यू ये बोलता है कि सर अगर आपके पास कोई एसेट छत्तीस महीने या उससे कम रहा

अच्छी तरह से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें और याद रखें सर ये कोई सट्टा नहीं है ये कैलकुलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड गेम है आप रिस्क ले लीजिए कैलकुलेटेड आपको अच्छे कैलकुलेटेड रिवॉर्ड्स मिलेंगे राइट right, गाइज हो सका तो मैं इस चैनल पे कुछ ऐसी वीडियोस डालूंगा जिससे आपको शेयर्स में सर ट्रेड करने के लिए मोटिवेशन मिले और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी मिले लेकिन याद रखिएगा किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है लीजिए सर ये दिख एक छोटी सी वीडियो एस जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी सिंपल सिंप, आ, सिंपल सी बात सर कि एस क्या है एक टैक्स है किस पे करते हैं जब भी हम सिक्योरिटीज को ट्रांजेक्ट करते हैं रखेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे तो हमें एक टैक्स पे करना पड़ता है एस रेट बहुत ही कम है पॉइंट लॉजिक है सर इट्स अ मैकेनिज्म ताकि गवर्नमेंट के पास आपकी हर ट्रांजेक्शन जो आप सिक्योरिटीज में कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग पहुँचते रहे और आप कोई भी इनकम अनडिसक्लोज ना रख पाए जानबूझ या गलती से राइट पीजीपी पी हेड में इसकी डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन थर्टी सिक्स अगर आप शेयर्स को एज अ स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट कर रहे हैं गेन में इसकी डिडक्शन नहीं मिलती बट गेन में काम आता है सेक्शन टेन क्लास थर्टी एट और ट्रिपल वन ए में क्यों काम आता है सर इसको एज अ कंडीशन रखा गया है अगर आप लोग उन सेक्शंस का फायदा उठाना चाहते हैं राइट right. चलिए सर थैंक यू वेरी मच आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप और किस तरह की वीडियोस चाहते हैं और हाँ अगर आपके पास भी कुछ नॉलेज है एसटीडी से रिलेटेड तो जरूर, जरूर 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 शेयर करें और इस वीडियो को भी सबसे ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में जरूर 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 कुछ ना कुछ लिखेगा थैंक यू वेरी मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेड जय हिंद और हाँ सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद